गुड मॉर्निंग गाइस, और कैसे हैं आप लोग। तो यार आज संडे है, जा रहे हैं अपने राइड पे। ये हमने बाइक तैयार कर लिया है, बिल्कुल मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। बस जैकेट पहनना है, हेलमेट पहनना है, ग्लव्स लेके निकलना है। आज सोलो राइड पे जा रहा हूँ मैं कुल्लड़ कैफ़े तक। तो वहाँ पे चल के कुछ एक स्पेशल बाइक है, वो आप लोगों को दिखाते हैं, उससे आप लोगों को मिलवाते हैं, और काफ़ी मज़ा आने वाला है आज की राइड पे। चलो फटाफट बस निकलते हैं और बाकी की बातें करते हैं बाइक पे। चलो बाइक के पहले थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। कल रात को मैं गया था फ्यूलिंग वगैरह कराने, बट ऐसा कुछ प्लान नहीं था। जब फ्यूलिंग करा के वापस आया तो एक बढ़िया प्लान बन चुका था। अभी से इसकी इतनी तेज साउंड है मेरे हिसाब से, बट जब एग्जॉस्ट चेंज हो जाएंगे तब मुझे पता नहीं कैसी साउंड होने वाली है इसकी, और ही खतरनाक हो जाएगी। बहुत ही प्यारी है मतलब। तो जिस बाइक से मैं मिलवाने जा रहा हूँ वो भी बहुत प्यारी है, बहुत ही स्पेशल है वो भी। एंड वी हैव ओनली टू बाइक्स ऑफ दैट काइंड इन बरेली एंड ऑफ दैट कलर इन बरेली। तो फटाफट बस इसको वार्म अप होने देते हैं और फिर निकलते हैं। वापस भी आना है अपने को टाइम से। वेदर तो अभी तक क्लियर है, बारिश का ऐसा कुछ सीन है नहीं, तो उम्मीद है आगे कुछ हो भी ना। सुबह 6:45 के आसपास हो रहा है और मैं निकल चुका हूँ घर से। सोलो राइड करते हुए मेरे को जाना है कुल्लड़ कैफे, एंड वहां पे मिलेगी हमें एक स्पेशल बाइक। अगर आप लोग ने इस बाइक को इतना प्यार दिया है ना, तो आप उस बाइक को भी उतना ही प्यार देने वाले हो। तो अभी और काफी अमेजिंग वीडियोस और कंटेंट इस बाइक के साथ शूट करना रह गया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि इसमें 12 मिरर्स लगवाए जाएं या नहीं लगवाए जाएं, तो आप लोग थोड़ा सा यार सजेस्ट करो मेरे को, कमेंट सेक्शन में डालो जरा कि 12 मिरर्स इससे अच्छे लगेंगे। लगेंगे तो नहीं अच्छे डेफिनेटली, बट क्या लगवाने चाहिए या नहीं उसका मुझे एक थोड़ा सा फीडबैक प्रोवाइड करें। वॉट एन अमेजिंग बीच, वॉट एन अमेजिंग बीच, मज़ा आ गया बिल्कुल चलाने में। सुबह सुबह एक कॉफ़ी मिल जाए और ये प्यारी जाने वन मिल जाए, पूरा दिन बन जाए आपका, सही बता रहा हूँ। ओए होए होए, इधर पानी कहाँ से आ गया भाई। बस ये हालत है भाई बरेली की, इतना पानी देख रहे हो आप लोग, डर लगता है यार, डर लगता है मेरी नन्ही सी जान को कुछ हो ना जाए, डर लगता है। और पानी भाई साहब, और पानी। तो जो कुल्लड़ कैफे है वो बरेली के फर्स्ट टोल के पास है, मतलब अब जब बरेली एग्जिट करते हैं जो पहला टोल पड़ता है वहां पर है। तो कुल्लड़ कैफे जैसा उसमें कुछ है नहीं, बस चाय कॉफी कुल्लड़ में मिल रही है और कुछ नहीं है। जैसे बेसिक ढाबा ही कह सकते हो उसको, कैफे भी नहीं कह सकते एक तो। बट ठीक है यार, एक राइड करके एक अच्छी रोड पे जाने के हिसाब से सही है। जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से गर्मी लग नहीं रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। A few moments later. तो फाइनली गाइस हम आ गए बरेली के बाहर, और ये है बरेली का झूठा। इतना बेकार रोड थी, इतने हैवी व्हीकल्स मिल गए बीच में, बटर है बिल्कुल ओपन रोड, तो इससे एक बढ़िया सा स्पीड नहीं लेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, आराम से चलाएंगे। कितने टाइम बाद मैं इसको हाईवे पे लेके निकला हूँ, कितना मजा आ रहा है यार,
पहली बार सुबह लेके निकला हूँ हाईवे पे मैं। बहुत ही प्यारी चीज है यार ये, बहुत ही प्यारी। एब्सोल्युटली इन लव विद दिस मशीन। बहुत ही मतलब स्मूथ, इतनी प्यारी भाई। अगर आप लोगों को लेनी है ना, बिल्कुल लो ये। अगर आपको कोई कह रहा है कि मत लो, रिटेल नहीं है, सिटिंग पोस्चर बेकार है, मैं कहूँगा बिल्कुल मत सुनना। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट एडजस्ट कर जाओगे। जो फील आएगी ना चलाने में, वो और किसी बाइक में नहीं आएगी आपको। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। फील लेनी है एक बार, ये लो। प्यार से 140 चली गई भाई, इतने प्यार से। पूछो मत। सो इट वॉज एक्सपेक्टेड आई विल रीच बाय 7:30 बट आई एम बिफोर टाइम। इट्स जस्ट 7:10 राइट नाउ। तो पहुंच के एक बार भाई को कॉल कर देते हैं कि पहुंच गए हैं। अगर ही इज नॉट देयर तो बट चांसेस कम है उसके होने के ना। बट एक बार देखते हैं पहले पहुंच के, फिर बाइक वाइक खड़ी करके आपको एक बार बाइक दिखाता हूँ, फिर एक बार फोन लगाते हैं बाइक को। दिस इज कूलर कैफे। राइट, ओल्डी कूलर जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ चाय है कूलर में जो वो रखी हुई है। बहुत आराम से चला के आया हूँ यार, फिर भी पता नहीं इतने टाइम से कैसे पहुँच गया मैं। इस मैं पहुँच चुका हूँ कुल्लर कैफ़े, और धूप बहुत बढ़िया निकली हुई है जैसे आप लोग देख सकते हो। और एक बुरी बात हो गई यार, बाइक बहुत गंदी हो गई। तो ये देखो, गर्म भी बहुत हो रही है और गंदी भी बहुत हो गई। इतना पानी भरा हुआ था रोड पर कहीं कहीं जगह, जिसकी वजह से ये दोनों तरफ से काफ़ी गंदी हो गई है। ओ यार, अब इसको दोबारा से वॉश करनी पड़ेगी। एक बार तो मैं वॉश कर चुका हूँ इसको, शोरूम पे टाइम नहीं मिला था वॉश कराने को तो मैंने घर पे ही वॉश कर ली थी। बट अब दोबारा से इसे एक बार लग रहा है शोरूम पे ही वॉश करानी पड़ेगी। मूड ख़राब हो जाता है यार बाइक गंदी हो जाती है तो। इतनी चमका के लेके चले थे हम इसको और उतनी ही गंदी हो गई है। तो मैं पहले पहुंच गया हूं स्पेशल बाइक से। मैं एक बार कॉल कर लेता हूं उसको, उसका अपडेट ले लेता हूं कहां तक है, उसको एक बार बता भी देता हूं कि मैं पहुंच चुका हूं टाइम से पहले। तो देखते हैं वो भाई कहां तक पहुंचे हैं अभी। तो वो है स्पेशल बाइक जिसकी हम बात कर रहे थे, ये अपनी है और ये है भाई की, सेम टू सेम। भाई ने बस एग्जॉस्ट चेंज करा रखे हैं और लाइट लगवा रखी है दूसरी, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी ये पीछे का हटवा के काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे मेरे में लगा हुआ है इसके में हटवा रखा है इसने, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो मैं सोच रहा हूँ ये हटवा लेंगे, बट तब हटवाएंगे जब अपने काउल लगवाएंगे इस पर, तो उससे पहले नहीं हटवाएंगे इसको। तो हमारा थोड़ा सा चाय कॉफ़ी वगैरह हो चुका है। दोनों बाइक्स पीछे से बड़ी सेक्सी सी लग रही हैं, और अभी आपको गुरसेवक का एक बार साउंड भी सुनाता हूँ मैं, एंड फिर चलते हैं एक शॉर्ट राइड पे, थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, कुछ कंटेंट शूट करते हैं, एंड मिलते हैं थोड़ी देर में। दिस इज गुरसेवक की साउंड। जी बहुत जल्दी अपने भी लगवा लेंगे। दिस जीटी दैट जीटी बहुत ही अमेजिंग है यार। दोनों जीटी साथ में हमने चल रहे लेके, और इसका साउंड तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत छोटी छोटी मॉड्स है जो मैंने भी कराने हैं इसमें, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि अभी थोड़ा सा नई बाइक है, रुक जाते हैं अभी कराने से, थोड़ा सा नया बाइक इंजॉय कर लेते हैं। एंड मैंने भी बाइक का एक्सपीरियंस
वेदर काफी अच्छा है नई बाइक के साथ। इसको हो गए 2-3 महीने बाइक को रखे हुए, मेरी जस्ट अभी आई है, मुझे 2 ही रखे हुए हैं। दिस इज द थर्ड वीक, तो आई थिंक ये लोकेशन है हमारी थोड़ी सी। ग्रीनरी देख के तो यार वैसे भी अपने अपने मजा आ जाता है। कर लेते मुझे कोई इशू नहीं है भाई, मैं इतना फोटोग्राफी में हूँ नहीं, लोकेशन अगर पता हो तो बढ़िया है फिर तो। A few moments later. So guys, we are at some unknown location. और काफी अच्छा व्यू है यहाँ से। और इधर साकेत भाई पूरा अपना सेटअप लेके बैठे हुए हैं। काफी अच्छी फोटोग्राफी चल रही है। गर्मी बहुत हो रही है, पर एक तो फुल स्लीव जैकेट पहन के मैं आ गया हूँ, ये गलती कर दी मैंने, पर बहुत मज़ा आ रहा है, वर्थ इट है आज की संडे राइड। काफ़ी अच्छा कंटेंट अब पोस्ट होने वाला है, काफ़ी बढ़िया वीडियोस बन रही हैं और व्यू तो आप लोग देख सकते हैं दूर दूर तक, बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी है। ऑलमोस्ट डन विद द शूट, 2-3 शॉट्स रह गए हैं, बस वही ले रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं। काफ़ी गर्मी हो रही है, आई एम ऑल वेट। बड़ा आराम ही हो बेटा। कुछ भी नहीं यार, मतलब बारिश वारिश का तो सीन ही नहीं लग रहा ऐसा, बट काफ़ी मज़ा आया आज की राइड में, काफ़ी बढ़िया लगा। 2-2 GTs थी हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम कलर में डिट्टो। बाकी अभी एग्जॉस्ट की साउंड सुनाता हूँ मैं आपको, गुरसेवक की और स्टॉक की, मज़ा आएगा उसमें भी। सो ये है गाइस अपनी बाइक जिसमें लगे स्टॉक एग्जॉस्ट, तो एक बार इसकी आवाज़ सुना देता हूँ मैं आप लोगों को पहले। These are the stock exhaust. काफी साउंड इनकी भी काफी अच्छी है। अब आपको सुनाते हैं इस वाली में, इसमें लगे हैं गुरसेवक। These are the गुरसेवक। बहुत ज़्यादा गर्मी में अपने आप को परेशान करने के बाद बट आई एम सीरियसली टेलिंग यू दिस गाय हैड गॉट सम शूटिंग स्किल्स। लोकेशन का नाम बिल्कुल नहीं पता, बट दिस इज समवेयर ऑन रामपुर रोड।